हाय हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम आरटीआई कैसे डालते हैं। हम इस आरटीआई के तहत हम कोई भी जानकारी हम जान सकते हैं, कोई भी जानकारी किसी भी डिपार्टमेंट से हम ले सकते हैं। तो आरटीआई डालने के लिए हमें एक एप्लीकेशन ऑन करते हैं हम, ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन। इसमें आरटीआई ऑनलाइन ये हमारी साइट है, ऊपर आप देख रहे होंगे rtionline.gov.in, ये हमारी साइट है। इसको हम गूगल पर सर्च करेंगे, कुछ ऐसा पेज हमारे सामने आएगा और ये हमारा है लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन यूज़र्स। इसको अगर आपने अगर इस पे आईडी क्रिएट की हुई है तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इसको आप लॉगिन भी कर सकते, साइन कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए आप क्या लिखा हुआ, यूज़र रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है इससे, आपको आरटीआई डालने के लिए आपको यहाँ आईडी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट डालने के लिए जो है, आरटीआई डालने के लिए जो है, ये हम इधर आते हैं, ये सबमिट रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करते हैं, कुछ ऐसा ही पेज आएगा ये। इसमें जो भी गाइडलाइंस है इसको पूरा पढ़ लेंगे आप, और ये गाइडलाइंस पूरा पढ़ने के बाद जो है आप नीचे आएंगे। नीचे आपको लिखा होगा आई हैव रीड दिस अंडरस्टूड दी प्रूफ अबाउ गाइडलाइन, ठीक है, अंडरस्टूड दी अबाउ गाइडलाइंस। इसको जो है अब यहाँ से सबमिट कर देंगे, यहाँ से टिक करके, और अपने अगर ये पूरा पढ़ लिया है तो इसको आप सबमिट कर देंगे। यहाँ से सबमिट करने के बाद जो है ये एक पूरा एक फॉर्म सामने खुल जाएगा ये, और जो भी है ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, ये फिल्स मार्क विथ ये स्टार आर मेंट्री, ये जिस पे आप स्टार ये देख रहे हैं आप रेड स्टार, ये आपको ज़रूरी है, अनिवार्य है, ये फील्ड को आपको ज़रूर भरना है। इसको अगर हम नहीं भरेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसको हम भरते हैं, यहाँ से जो है सेलेक्ट मिनिस्ट्री, यहाँ से हम कोई भी मिनिस्ट्री ले लेते हैं, हम कोई मैं सबसे ऊपर कर लेता हूँ, फर्स्ट पब्लिक अथॉरिटी कैबिनेट। उसके बाद है पर्सन डिटेल, यहाँ पे आप नाम डाल देंगे कुछ भी, आप नाम जो है ABC, नीचे आपके जेंडर है यहाँ कर देंगे मेल, एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है XYZ, यहाँ जो पिन कोड है पिन को डाल देंगे अपने एड्रेस का, और ये है कंट्री, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया के, अगर आप बाहर के हैं तो अदर करके, और यहाँ पे आपके जो भी कंट्री नेम है यहाँ फिल कर देंगे इसके नीचे, लेकिन हम इंडिया पे ही करेंगे। इंडिया पे क्लिक करने के बाद जो है स्टेट, स्टेट हम दिल्ली डाल देंगे, दिल्ली। अब ये पूछ रहा है स्टेटस रूरल या फिर अर्बन, तो अर्बन करेंगे शहरी। उसके बाद एजुकेशन में जो है एजुकेशन स्टेटस में कर देंगे लिटरेचर में, इसमें मैं कर देता हूँ अबाउ ग्रेजुएट। इसको आप चाहें तो आप इसको अपने हिसाब से इसको भर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भरना है, नीचे मोबाइल नंबर, जैसे कि आपको एक SMS रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल देंगे, कोई भी ईमेल जो आईडी जो भी आपका मेल आईडी है वो अब यहाँ पे आप डाल देंगे। सेम वही मेल आईडी आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद सिटीजनशिप, ये रिक्वेस्ट केवल वही डाल सकता है जो सिटीजन हो इंडिया का, इसके अलावा और कोई नहीं आरटी अप्लाई कर सकता। तो इंडिया है तो इंडिया रहने देंगे हम टी लाइन। अब ये जो है अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं
तो आपको यस करना है, और अगर नहीं आते तो नो करना है। तो उसको हम अभी यस करते हैं। यस करने के बाद जो है, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आपको ये बीपीएल कार्ड नंबर जो भी आपका ये कार्ड नंबर आपको भरना पड़ेगा, जो कि अभी इसको हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद जो है आपको जो है 10 रुपये की फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी इसके अंदर जो है, लास्ट में सबमिशन करने के बाद। फिर उसके बाद जो भी आपको आरटीआई में जो भी आपको सवाल पूछें, जो भी क्वेश्चन है आपके, आप यहाँ पे वो क्वेश्चन आप डाल देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है, नंबर वन नंबर टू जैसे आपको है, इसको जो है करने के बाद जो है ये आप जो है पूरे जो हैं, आपको इसमें कैरेक्टर मिलते हैं, आपको 3000 कैरेक्टर मिलते हैं आरटीआई डालने के लिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि पूरे 3000 कैरेक्टर में इनके पूरी आरटीआई का मतलब आरटीआई के जो क्वेश्चन है पूरे नहीं होते, तो इसके अंदर भी जो है आपको एक ये मिलता है डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग। इसमें जो है 1 MB तक का एक डॉक्यूमेंट जो है आप इसमें भी डाल सकते हैं, आरटीआई या फिर उसके तहत कोई भी डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है ये जो नंबर है ये आपको यहाँ पुट कर देना है, कोड एट 3 6 3 4 6, ये डालने के बाद जो है आपको जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ आपको मेक पेमेंट क्लिक करने के बाद जो अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है ये कि आपको पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग से करना है या फिर क्रेडिट कार्ड से, आपको जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ से इसको आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड करते हैं। तो यहाँ करने के बाद इसको आप पे करेंगे आप, पे पे क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद आप चाहें डेबिट क्रेडिट प्रीपेड रुपये जो भी है आप इसको पेमेंट करेंगे आप, और जैसे हम डेबिट कार्ड करते हैं, कार्ड नंबर यहाँ डाल देंगे हम, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो भी है, एक्सपायरी ईयर हो जाएगा आपका, और एक कार्ड होल्डर नेम और CCV नंबर होता है कार्ड के पीछे जो, वो नंबर, और ये जो है आपका विजुअल कोड डाल के और इसको पे कर देंगे। और उसके बाद जो है आपको एक नंबर एक इशू होगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, और ये जो है आपका रिप्लाई जो है आपको 30 दिन के अंदर जो है आपको इसका मिल जाएगा, इस आरटीआई का जवाब जो है। और अगर आप को नहीं मिलता है उस आरटीआई का जवाब, या फिर आप उस संतुष्ट नहीं उस आरटीआई के जवाब से, तो आप अपील भी कर सकते हैं इसकी दोबारा। तो अपील जो है आपकी पहली अपील जो है बिल्कुल मुफ्त होगी, वो आप कर सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।